केजीआर किस लिए बच जा रहे? असद भाई के वजह से। तो जब आप दुश्मन को मारने के लिए हमारे मैनार की बाया तैयार हो गए तो असद भाई आके बीच में खड़े रह रहा है। मगर ये कोई आपको राजनीति में कुछ फायदा होगा? एमएम पार्टी और कहीं तरक्की कर रहा होगा हमको पता नहीं, मगर आप लोगों को किसी को घर नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, लोन नहीं मिला। केसीआर को प्रगति भवन 10 एकड़ में घर मिला, सदर साहब को शास्त्रीपुरम पहाड़ के ऊपर सबसे शानदार महल मिला। दस एकड़ का अंजन भाई बाजू से कह रहे हैं, और 10-15 मुझे तो पता नहीं, पहाड़ के ऊपर तो शानदार महल मिला, पैलेस तो मिला। अच्छा है, अपना ही है, वो भी अपना भाई है, उनको पैलेस मिले, मिलने दो, और सोना भी मिलने दो, और चांद नहीं क्या बोलते, हीरे भी लेने दो, मोती भी लेने दो, मगर हमको तो डबल बेडरूम घर तो दिलाओ सदर साहब। हमको हीरे मोती सोना चांद किसी कुछ जरूरी नहीं है, हमारे पढ़े लिखे से नौजवानों को नौकरी दिलाओ, नाले में कीड़े जैसा जीना पड़ रहा है, हमारे माइनॉरिटी भाइयों को कम से कम डबल बेडरूम का घर दिलाओ। ये दो नहीं दिलाए तो कम से कम कुछ काम कर लेने के लिए 10 लाख लोन तो भी दिलाओ। फुटकर में नहीं चाहिए हमको, कम से कम लोन दिलाओ, हम मेहनत करके तेरे 10 लाख को और दो मिला के 12 लाख फिर वापस पहुंचा देंगे। हम ये नहीं मांग रहे शास्त्रीपुरम पहाड़ के ऊपर जो महल है, महल में एक गज का जगह नहीं मांग रहे, गजोल में जो फार्म हाउस है, 1000 एकड़ में जो केसीआर साहब का फार्म हाउस है, फार्म हाउस में एक इंच का जगह भी नहीं मांग रहे हम लोग। हम लोग उधार भी नहीं मांग रहे, बीज नहीं मांग रहे, हम हक मांग रहे, ये हक के लिए हम लड़ेंगे, हम मरेंगे। आप लोग तैयार है क्या? नहीं, मैं आजाद साहब कहने गया तो एक मशवरा दिए, एक मिनट भाई, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। कभी कभी हम सब होशियार ही रहते, मगर कभी ऐसी जरूरत पड़े तो याद नहीं आता, बाद में घर को जाने के बाद बहुत सारे याद आते, अरे ये लिखना था, वो लिखना था, मेरा IAS मिलता था, IPS मिलता था, बोल के हम लोग बोल लेते। मगर अब आने वाले दिनों में क्या करना है याद दिलाना चाहता हूं। एक राजा था, उनके राज में सब लोग सुकून से जी रहे थे, मगर एक राक्षस आधी रात को सब सो गए जब देखकर राज में घुस के लोगों का पूरा लूटना, मारना, खत्म करना, जनता के खून पीना, ये सब सारे वो राज को लूटने में लग गए उन्होंने। फिर 2 महीने तक वो दिखता ही नहीं, 2 महीने फिर पहरा कर करके अगर ऐसे अपन सो गए तो फिर दोबारा वो राक्षस आ रहे। तो राजा ने ये किया, पूरे नौजवान बंदों को पूरा तैयारी करे, पूरा अलर्ट के 2 महीने के बाद फिर आया राक्षस, ये सब लोग मिलकर राक्षस को पकड़ लिए, झाड़ को बांध दिए, पैर का पर्व तोड़ दिए, हाथ का हाथ तोड़ दिए, गल्ला काट दिए, सब काट दिए, फिर भी वो नहीं मर रहा। कुछ समझ में नहीं आया राज को, अरे राक्षस को तो हम पकड़ लिए, झाड़ू को बांध दिए, उनका पैर काट दिए, हाथ तोड़ दिए, गल्ला काट दिए, सब काट दिए, मगर वो तो मर रहा नहीं। तो वो गया हिमालय, एक पंडित जी से मिले, पंडित जी को पूछा कि भाई मेरा राज में ऐसा हो जा रहा है, एक राक्षस ने पूरा मेरा राज को सत्यानाश कर दे रहा है, मैं क्या करना? तो वो पूरा जन्म कुंडली देखा राक्षस का, तब वो
पंडित जी ने ये कहा राजा उनको हाथ काटो, पैर काटो, दिल तोड़ो, गर्दन तोड़ो, कुछ भी तोड़ो, वो मरने वाले नहीं है, उनका जान है तोते में, वो तोते है सात समुन्द्र के पार कहीं छुपा के रखा, अगर को राक्षस को मारना है तो तोते को मारो। वो सुन लिया आगे राक्षस तो नहीं गया, महाराजा सीधा सीधा उनके नौजवान लड़कों को बोले सात समुन्द्र के पार आगे तोता है, तोता को मार दिए तो काम हो जाएगा। ये बंदे सब लोग गए तोते को उठा के राज में लाए, तब सबके सामने एक एक हाथ पैर ये वो बाद में गल्ला भी दबा दिए, राक्षस तो मर गए। तो तोते को पकड़ना, अभी मोदी राक्षस है, मोदी का जान तोते में है, ये तोता है केसीआर में। अगर आप लोगों को मोदी को मारना है, गद्दे से उतारना है तो तोते को मारो, तोता है केसीआर है नहीं? आप समझ रहे कार को ओर डाल रहे, पर कार हैदराबाद दिल्ली से निकलकर दिल्ली जाने के बाद मोदी घर में घुस रहे, कार कमल फूल बन जा रहे। पार्लियामेंट में बुलाए तो सबसे ज्यादा आवाज टीआरएस एमपीआ लोग दे रहे मोदी को मदद में, फिर वो आवाज कम होना, आवाज को दबाना बोले तो पहले या कार को टायर का टायर, स्टीयरिंग का स्टीयरिंग अलग अलग निकाल के चुम्बरात बाजार में बेच देना, इधर उधर बेचे तो फिर वो ऐसा आदमी है पूरा जमा करके फिर फिटिंग करेगा। चुम्बरात बाजार को कार भिजाए ना, फिर भगवान को भी नामुमकिन हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा उसको छोड़ने में। अगर भगवान चाहे भी, अल्लाह भी चाहे तो भी, फिर कार तो जोड़ेगा नहीं, वो कार को जुमरात बाजार भिजाना है, जो स्टीयरिंग जिनके हाथ में उनको दावकाना को चलाना है, जिसके हाथ में स्टीयरिंग है वो बाइक को दावकाने को भिजाना है, इलाज करने के लिए कार को तो जुमरात बाजार भिजाना है। मेरे कोई दुश्मन नहीं है किसी से, वो मेरा दुश्मन नहीं है, अपना ही भाई है, अपने परिवार के है, मगर थोड़ा बिगड़ा हुआ है, बस इतना ही बिगड़ा हुआ भाई को फिर घर पे ला लेना, क्योंकि वो अपना ही है, कुछ भी हो दो चार तप्पड़ मारना फिर घर पे ला लेना, बताइए नहीं? अपने छोटे भाई अगर, अपने बड़े भाई अगर कोई कुछ 19-20 किए तो सुधीर भाई जैसे बड़े लोग, बड़े नेता लोग बिठा के हम लोग आपस में लड़ लिए, मैं अगर अजमत लड़ लिए समझो, सुधीर भाई जैसा बड़े आदमी बुला के अरे ऐसे नहीं करना, नहीं नहीं ऐसा बोल के समझा के चलाने के लिए, घर चलाने के लिए बोल देते।